तो दोस्तों, जैसे MCU की शुरुआती तीन फेज यानी इन्फिनिटी सागा का मेन विलेन था थैनोस, वैसे ही इसके अगले तीन फेज यानी मल्टीवर्स सागा का मेन विलेन है कैंग द कॉन्करर। और एंटमैन की तीसरी फिल्म से ये विलेन अब पूरी तरह हमारे सामने आ चुका है। MCU की इस 31st मूवी में एंटमैन का सामना होता है एक ऐसे आदमी से जिसने समय और ब्रह्मांड को जीत लिया था। अगर आप इस फिल्म को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। आज मैं एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटमेनिया मूवी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, तो आइए देखते हैं। ये कहानी है नेथनियल रिचर्ड्स नाम के एक साइंटिस्ट की, जिसे कैंग के नाम से भी जाना जाता है। उसने मल्टीवर्स के बारे में पता लगाया था और दूसरी यूनिवर्स में जाने का तरीका ढूंढ लिया था। लेकिन मल्टीवर्स में सिर्फ एक ही नेथनियल यानी कैंग नहीं है, बल्कि और भी कई यूनिवर्स में कैंग के बहुत सारे वेरियंट्स मौजूद है, और उन सब ने ही टाइम ट्रेवल और मल्टीवर्स की खोज कर ली थी, जिसके बाद वो सब अलग अलग यूनिवर्स में जाकर एक दूसरे से मिलने लगे और अपनी नॉलेज और टेक्नोलॉजी आपस में शेयर की। पर कैंग के ज्यादातर वेरिएंट्स बहुत बुरे थे, इसीलिए उन्होंने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करना शुरू किया। वो लोग हर यूनिवर्स पर कब्जा करने लगे। उन्होंने आपस में बहुत लड़ाइयाँ की और समय के साथ काफी छेड़छाड़ की। इससे मल्टीवर्स बिल्कुल अनस्टेबल हो गया और इनकर्जन्स काफी बढ़ गए, यानी कई ब्रह्मांड आपस में टकराने लगे। लेकिन ये सब देखकर नेथनियल के एक वेरिएंट, जिसे कैंग द कॉन्करर भी कहा जाता है, उसे बहुत बुरा लगा और उसने अपने बाकी वेरिएंट्स को रोकने का फैसला किया। इस काम के लिए उसने बाकी कैंग के यूनिवर्स को बर्बाद करना शुरू कर दिया, ताकि इससे उनका वजूद ही मिट जाए और मल्टीवर्स फिर से स्टेबल हो जाए। फिर उसने एक एक करके कई प्लैनेट्स, यूनिवर्स और टाइमलाइंस को तबाह कर दिया, जिससे धीरे धीरे दूसरे कैंग खत्म होने लगे। लेकिन जब इस बारे में बाकी कैंग को पता चला, तो उन्होंने उस कॉन्करर को रोकने के लिए आपस में एक ग्रुप बनाया, जिसे काउंसिल ऑफ कैंग्स कहा जाता है। इस काउंसिल में हजारों कैंग शामिल थे, लेकिन सिर्फ तीन लोग इस ग्रुप के लीडर थे, और इस पूरी काउंसिल का मकसद था अपने अस्तित्व को बचाना, जिसके लिए फिलहाल सबसे बड़ा खतरा था कैंग द कॉन्करर। इसलिए उन सब ने मिलकर कॉन्करर को रोकने का एक प्लान बनाया। वैसे तो वो सब उसे मारना चाहते थे, पर ऐसा करने से कोई दूसरा कैंग उसकी जगह ले सकता था। इसीलिए काउंसिल के लीडर्स ने उस कैंग को क्वांटम रियल्म में कैद करने का फैसला किया, क्योंकि क्वांटम रियल्म एक ऐसी जगह है जो कि स्पेस और टाइम से परे है। वहाँ पर कुछ भी करने से ब्रह्मांड और समय पर कोई असर नहीं पड़ता। फिर काउंसिल ऑफ कैंग्स ने मिलकर कॉन्करर के मल्टीवर्सल स्पेसशिप को खराब कर दिया और उसे क्वांटम रियल्म में भेज दिया। उस टाइम पर जेनेट वैन डायन भी क्वांटम रियल्म में फंसी हुई थी, और उसे वहाँ रहते हुए कुछ साल हो गए थे। जब कैंग वहाँ पहुँचा तो उसकी मुलाकात जेनेट से होती है, और वो जेनेट को बोलता है कि वो गलती से वहाँ आ गया है। फिर उन दोनों में दोस्ती हो जाती है, और जब कैंग को ये पता चलता है कि जेनेट भी एक साइंटिस्ट है, तो वो अपना स्पेसशिप सुधारने के लिए उससे मदद मांगता है, और वो जेनेट से ये वादा करता है कि वो उसे घर छोड़ देगा और उसका बीता हुआ वक्त भी लौटा देगा। इसीलिए वो दोनों उस स्पेसशिप को ठीक करना शुरू कर देते हैं। पर उस शिप की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उसका पावर कोर बहुत डैमेज हो गया था, जिसे ठीक करना बेहद मुश्किल था। लेकिन जेनेट और कैंग काफी समय और मेहनत लगाकर उस पावर कोर को ठीक कर ही देते हैं, जिसे शिप में लगाते ही वो चालू हो जाता है। कैंग का वो स्पेसशिप न्यूरोकाइनेटिक था, मतलब वो उसके दिमाग से जुड़ा हुआ था। इसलिए जब जेनेट उसे छूती है, तब उसे कैंग की असलियत पता चल जाती है कि उसने कई ब्रह्मांडों को तबाह किया है, जिसकी वजह से उसे क्वांटम रियल्म में कैद किया गया है। ये सब देखकर जेनेट बहुत डर जाती है, और उसे लगता है कि उसने गलत आदमी की मदद कर दी, क्योंकि कैंग वहाँ से निकलने के बाद भी वही सब काम करने वाला था। इसलिए जेनेट उसके खिलाफ हो जाती है। हालांकि कैंग उसे बोलता है कि वो उसकी दुनिया को बख्श देगा और वो खुशी खुशी अपनी बेटी के साथ रह सकेगी, लेकिन जेनेट अपनी पर्सनल लाइफ को छोड़कर पूरी मल्टीवर्स को बचाने का फैसला करती है, और वो कैंग के शिप का पावर कोर लेकर भाग जाती है। फिर वो उस कोर को अपनी पिम पार्टिकल डिस्क से बहुत बड़ा कर देती है, ताकि वो शिप में लगाने लायक न बचे और कैंग हमेशा के लिए क्वांटम रियल्म में फंस जाए। इसके बाद जेनेट वहाँ से भाग जाती है, और कैंग उस पावर कोर के बिना अपने स्पेसशिप को चालू नहीं कर पाता। लेकिन क्योंकि अब उसे अपना आर्मर वापस मिल गया था, इसीलिए वो बहुत शक्तिशाली बन गया था। फिर वो अपने आर्मर की मदद से क्वांटम रियल्म पे कब्जा करना शुरू करता है, और वहाँ वो अपना बहुत बड़ा साम्राज्य बना लेता है, इस उम्मीद में कि वो किसी दिन वहाँ से बाहर निकलेगा और अपनी फौज से काउंसिल ऑफ कैंग्स को हराएगा।
दूसरी तरफ जेनेट क्वांटम रेल में भागती फिर रही थी और उसने वहां रहने वाले कई लोगों के साथ मिलकर कैंग के खिलाफ जंग भी लड़ी, पर उसकी ताकत के आगे कोई नहीं टिक पाया और कैंग की सल्तनत बढ़ती ही गई। लेकिन इतने साल में भी वो अपने पावर कोर को ठीक नहीं कर पाया। उसे छोटा करने के लिए कैंग को पिम पार्टिकल्स की जरूरत थी, जो कि सिर्फ जेनेट के पास ही मिल सकता था। इसलिए कैंग ने कई साल तक उसकी तलाश की। फिर 2018 में जेनेट हैंग पिम की मदद से क्वांटम रेल्म से बाहर निकल गई और उसने ये कसम खाई कि वो दोबारा कभी क्वांटम रेल्म में नहीं जाएगी। इस तरह से कुछ साल बीत जाते हैं और अब 2025 में हैंग पिम और स्कॉट लैंग के परिवार खुशी खुशी साथ में रह रहे थे। स्कॉट की बेटी कैसी भी अब अपने पिता की तरह दूसरों की मदद कर रही थी और उसके पास भी खुद का एक एंटमैन सूट था। इसके साथ ही वो क्वांटम रेल्म की स्टडी भी कर रही थी और इस काम के लिए उसने हैंक और होप की मदद से एक क्वांटम सैटेलाइट बना लिया था, जिसके बारे में जेनेट को कुछ नहीं पता था। फिर एक दिन कैसी सबको अपना वो सैटेलाइट दिखाती है और वो उसे क्वांटम रेल्म में सिग्नल भेजना शुरू करती है। लेकिन ये देखकर जेनेट बहुत डर जाती है और वो तुरंत उस सैटेलाइट को बंद कर देती है, पर तब तक काफी देर हो गई थी। उधर क्वांटम रेल्म में कैंग को वो सिग्नल मिल जाता है और वो उसके रिस्पांस में कैसी के सैटेलाइट पर एक पोर्टल भेज देता है, जो कि स्कॉट और हैंग के पूरे परिवार को क्वांटम रेल्म के अंदर खींच लेता है। लेकिन वो सब लोग वहां पर दो अलग अलग ग्रुप में पहुंचते हैं। एक तरफ स्कॉट और कैसी थे, जो कि कैंग के खिलाफ लड़ने वाले फ्रीडम फाइटर्स के पास पहुंच गए थे, और दूसरी तरफ हैंग, होप और जेनेट थे, जो कि स्कॉट और कैसी की तलाश में भटक रहे थे। फिर जेनेट का ग्रुप क्राइलर नाम के एक आदमी से मिलने जाता है, जो कि पहले एक फ्रीडम फाइटर था, लेकिन अब वो कैंग के साथ मिल चुका था और वो जेनेट और उसके साथियों को पकड़वाने की कोशिश करता है, पर वो लोग क्राइलर से लड़के उसका स्पेसशिप लेकर भाग जाते हैं। और तब जेनेट हैंक और होप को कैंग के बारे में सब कुछ बता देती है। उधर स्कॉट और कैसी जिन फ्रीडम फाइटर्स के साथ में थे, उन पर कैंग का एक खास सोल्जर मोडॉक हमला कर देता है। मोडॉक असल में डेरेन क्रॉस यानी येलो जैकेट था। कुछ साल पहले जब स्कॉट ने उसका सूट खराब किया था, तब डेरेन मरा नहीं था, बल्कि वो क्वांटम रेल्म में पहुंच गया था और उसके शरीर की बनावट बहुत बिगड़ गई थी। तब कैंग ने उसकी मदद की और उसे बना दिया मैकेनाइज्ड ऑर्गेनिज्म डिजाइंड ओनली फॉर किलिंग, यानी मोडॉक। तब से वो कैंग के लिए काम कर रहा है। फिर मोडॉक स्कॉट और कैसी और उन सभी फ्रीडम फाइटर्स को पकड़ लेता है और वो उन्हें कैंग के किले में ले जाकर कैद कर देता है, जहां पर कैंग स्कॉट से आकर मिलता है और वो उसे अपने शिप का पावर कोर ठीक करने के लिए बोलता है, जिसके बदले में वो उन्हें घर छोड़ने का वादा करता है। पहले तो स्कॉट इसके लिए नहीं मानता, लेकिन जब कैंग उसे कैसी को मारने की धमकी देता है तो वो राजी हो जाता है। इसके बाद स्कॉट उस बड़े से पावर कोर के नीचे जाता है। वहां पर उस कोर की शक्ति की वजह से स्कॉट के हजारों वेरिएंट्स बन जाते हैं, जो कि साथ मिलकर उस कोर को छोटा करने की कोशिश करते हैं, पर उनसे वो काम नहीं हो पाता। तभी हैंक, होप और जेनेट स्कॉट को ढूंढते हुए उस जगह पर पहुंच जाते हैं और फिर होप वहां जाकर स्कॉट की मदद करती है और वो दोनों मिलकर अपनी पिम पार्टिकल डिस्क से उस पावर कोर को बिल्कुल पहले जैसा छोटा कर देते हैं। वो लोग उस कोर के बदले में कैसी को छुड़वाने वाले थे, लेकिन कैंग उनसे वो कोर छीन लेता है और वो कैसी को छोड़ने से मना कर देता है। इसलिए स्कॉट और होप कैंग से लड़ना शुरू करते हैं, पर वो उन्हें हरा देता है और फिर वो जेनेट को किडनैप कर लेता है, क्योंकि जेनेट एक जीनियस साइंटिस्ट थी और कैंग का मानना था कि वो उसके काम आ सकती है। इसी दौरान मोडॉक हैंग पिम के स्पेसशिप पर हमला करके उन्हें मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कुछ बड़ी चींटियां वहां आकर हैंग को बचा लेती है। जब स्कॉट और बाकी सब लोग क्वांटम रेल्म में गिरे थे, तब हैंग की वो चींटियां भी वहां पहुंच गई थी और वो क्वांटम रेल्म के एक ऐसी फील्ड से गुजरी कि कुछ ही देर में वो चींटियां बहुत ज्यादा विकसित हो गई। फिर वो चींटियां हैंग को बचाती है और हैंग जाकर स्कॉट और होप से मिलते हैं और वो सब लोग कैंग को रोकने के लिए उसके किले की तरफ निकल जाते हैं। दूसरी तरफ कैंग उस पावर कोर से अपना शिप चालू करता है। इस बार वो अपने पूरे किले और फौज के साथ क्वांटम रेल्म से बाहर निकलने वाला था, ताकि वो काउंसिल ऑफ कैंग्स को खत्म कर सके। लेकिन इसी दौरान कैसी कैद से छूट जाती है और वो सभी कैदियों को भी छुड़वा लेती है। फिर वो उस टावर से क्वांटम रेल्म के सभी फ्रीडम फाइटर्स को एक मैसेज भेजती है और सबको जंग के लिए उकसा देती है। तभी मोडॉक वहां आकर कैसी पे हमला करता है, पर कैसी उससे लड़के उसे हरा देती है और वो मोडॉक को समझाकर उसे अपनी टीम में शामिल कर लेती है। फिर स्कॉट, होप और हैंग भी वहां पहुंच जाते हैं
और स्कॉट जायंट मैन बनकर कैंग के पूरे शहर को बर्बाद करना शुरू करता है, जिसमें सभी फाइटर्स भी वहां आकर उसकी मदद करते हैं। इसी बीच कैंग अपने किले के साथ वहां से भागने की कोशिश करता है, पर स्कॉट उसके किले को तबाह कर देता है, जिससे कैंग बहुत गुस्सा हो जाता है और वो बाहर निकलकर सबको अपनी पावर से मारना चालू करता है। लेकिन तभी हैंग पिम अपनी चींटियों की विशाल सेना के साथ वहां आ जाते हैं और वो कैंग पर हमला कर देते हैं। इसीलिए कैंग एक एनर्जी शील्ड बनाकर खुद को बचाने लगता है, पर तभी मोडोक वहां आकर कैंग की वो शील्ड तोड़ देता है, जिससे सभी चींटियां कैंग के ऊपर भिड़ जाती है। लेकिन उधर डेरेन यानी मोडोक बहुत घायल हो जाता है और वो मर जाता है। दूसरी तरफ जेनेट कैंग के कंप्यूटर और पावर कोर की मदद से धरती पर जाने का एक पोर्टल खोल देती है, जिससे हैंक, होप, जेनेट और कैसी बाहर निकल जाते हैं। पर स्कॉट के बाहर जाने से पहले कैंग वहां आ जाता है, जो कि उन चींटियों से बच निकला था, और वो उस पोर्टल से भागने की कोशिश करता है, पर स्कॉट उससे लड़कर उसे रोके रखता है। लेकिन कैंग उस पर बहुत भारी पड़ता है, इसलिए स्कॉट अपने पास की दोनों तरह की पिम पार्टिकल डिस्क से उस पावर कोर पे हमला कर देता है, ताकि वो कोर खराब हो जाए और कैंग कभी बाहर ना निकल पाए। ये देखकर कैंग उस पोर्टल की तरफ भागता है, लेकिन तभी होप वापस क्वांटम रेल्म के अंदर आती है और वो कैंग को रोक देती है। फिर स्कॉट और होप दोनों मिलकर कैंग से लड़ते हैं और वो उसे उस अनस्टेबल पावर कोर में धकेल देते हैं, जिससे वो कोर फट जाता है और कैंग मर जाता है। लेकिन इससे वो पोर्टल भी बंद हो जाता है। पर उधर बाहर की दुनिया में कैसी के उस सैटेलाइट में अब काफी सारी इन्फॉर्मेशन जमा हो गई थी, जिसकी मदद से कैसी एक नया पोर्टल बनाने में कामयाब हो जाती है और वो स्कॉट और होप को क्वांटम रियल्म से बाहर निकाल लेती है। इसके बाद सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाता है। लेकिन स्कॉट को अब बार बार कैंग की वो बात याद आ रही थी कि अगर वो क्वांटम रियल्म से बाहर नहीं निकल पाया तो बहुत बड़ी अनहोनी हो जाएगी। ये सोचकर स्कॉट काफी परेशान रहने लगता है। मूवी के मिड क्रेडिट सीन में हमें काउंसिल ऑफ कैंग्स के तीनों लीडर नजर आते हैं, जिन्हें ये पता चल गया था कि क्वांटम रेल में कैद कैंग द कॉन्करर मर गया है, और वो सब इस बात से काफी घबराए हुए थे, क्योंकि जिस कैंग से उन लोगों को डर लगता था उसका किसी और के हाथों मारे जाना उनके लिए काफी चिंता की बात थी। ऊपर से अब धरती के कई लोगों को मल्टीवर्स के बारे में पता चल गया था, इसीलिए काउंसिल के लीडर्स को ये लग रहा था कि धरतीवासी उनसे मल्टीवर्स की सत्ता ना छीन ले। इसी वजह से उन्होंने मल्टीवर्स में मौजूद सभी कैंग को मिलने के लिए बुलाया था, ताकि वो उनसे इस बारे में बात कर सके। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें 1920 का समय दिखाया जाता है, जहां कैंग का एक वेरिएंट जिसका नाम विक्टर टाइमली था, वो टाइम के बारे में एक प्रेजेंटेशन दे रहा था, जिसे सुनने के लिए कई लोग आए थे, और उसमें लोकी और मोबियस भी शामिल थे, जो कि कैंग को हराने के लिए उसकी जानकारी इकट्ठा कर रहे थे। तो दोस्तों, ये थी एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटमेनिया की एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल को दबाइए, ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके। Step by step, the clock is ticking, but there's no time for me.